वेलकम बैक टू माई चैनल एडू लाइव. आई एम हरमीत और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मल्टीपल असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑब्टेन द ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम. सो हमें एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर दैट नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. इफ दे आर नॉट इक्वल देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ डमी रो और अ डमी कॉलम. सो नंबर ऑफ रोज आर 4 बट कॉलम्स आर 3. So we have to introduce a dummy column. So let's say it's D. So dummy column की value हमेशा 0 रहती है. So this is the square matrix. Number of rows and number of columns are equal. So हम Hungarian method लगा के next पर चलते हैं. So अब हम करेंगे row reduction. So row reduction में हमें सबसे पहले लोएस्ट एलिमेंट को उठाना है और उसको बाकी एलिमेंट से माइनस करना है. सो फर्स्ट रो में सबसे लोएस्ट एलिमेंट 0 है. सो 0 को सबसे माइनस है. 2 माइनस 0 2 8 7 0. नेक्स्ट भी में 0 है तो ऐसे ही आ जाएगा. ये सारी मैट्रिक्स ऐसे आ जाएगी बिकॉज सारे में 0 है. सो गाइज दिस इज रो रिडक्शन. अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन. सो फर्स्ट कॉलम जब हम देखेंगे इसमें सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 2. सो हम 2 को सारे फर्स्ट कॉलम में से माइनस कर देंगे. सो 2 माइनस 2 इज 0. 7 माइनस 2 इज 5. 5 माइनस 2 3 एंड 2 माइनस 2 0. नेक्स्ट में 0 आ गया तो ये सारा सेम कॉपी हो जाएगा. अब नेक्स्ट कॉलम में सबसे लोएस्ट एलिमेंट इज 3. सो 7 माइनस 3 इज 4. 0 3 एंड 5 और ये सारा हो गया. सो गाइस दिस इज आवर कॉलम रिडक्शन. अब हम इसके ऊपर असाइनमेंट्स करेंगे. तो जब हम असाइनमेंट्स करेंगे हमें देखेंगे 2 जीरोज हैं तो हम इसे नहीं अभी करेंगे असाइन. सेकेंड रो में भी 2 जीरोज हैं नहीं करेंगे. थर्ड में भी 2 जीरोज हैं. फोर्थ में भी 2 जीरोज हैं. अब हम कॉलम्स में आ जाते हैं. फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो है नहीं करेंगे साइन. सेकेंड कॉलम में 1 जीरो है इसको कर देंगे साइन और इसके सामने हो जाएगा क्रॉस और ऊपर कोई भी नहीं है तो क्रॉस नहीं होगा. हमने असाइनमेंट करने के टाइम हमने ये देखना होता है कि जहाँ हमने असाइनमेंट की है उसके ऊपर वाला कॉलम और उसके रो में कोई और असाइनमेंट ना हो. सो हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं तो यहाँ हो जाएगी असाइनमेंट और ये हो गया कैंसिल. अभी 2 हैं तो हम नहीं करेंगे. तो फिर से हम रो स्क्रीनिंग करते हैं. सो यहाँ अगर हम लगा देते हैं तो ये हो जाएगा कैंसिल और इसके सामने वाला भी हो जाएगा कैंसिल. तो लास्ट में बच गएगा ये. सो गाइज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स. तो ये एक तो ये ऑप्टिमम सोल्यूशन हो गया. अब हम ये देखेंगे कि अगर हम ये वाले असाइनमेंट यहाँ कर देते तो एक और ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट हो रहा है. तो हम अब एक और ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सो गाइस एक ऑप्टिमम सोल्यूशन हमारा आ गया यहाँ जहाँ हमने असाइनमेंट्स करके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स निकाल लिए. अब एक और ऑप्टिमम सोल्यूशन आएगा जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हम रो की असाइनिंग करेंगे. 2 जीरोज हैं नहीं 2 जीरोज हैं यहाँ भी 2 जीरोज हैं यहाँ भी 2. सो हम रो स्कैनिंग नहीं कर रहे. कॉलम स्कैनिंग में भी फर्स्ट कॉलम में 2 जीरोज हैं सेकंड में 1 जीरो है तो इसको कर दिया मैंने असाइन और यहाँ कर दिया क्रॉस. थर्ड कॉलम में भी इसको कर दिया असाइन और यहाँ कर दिया क्रॉस. पिछला मैट्रिक्स किया था यहाँ पर मैंने यहाँ असाइनमेंट की थी तो या इस बार मैं यहाँ कर देती हूँ क्रॉस और यहाँ कर देती हूँ असाइनमेंट. तो ये होगी यहाँ असाइनमेंट और यहाँ हो गया क्रॉस. सो गाइज आप देख सकते हो एक क्वेश्चन में 2 ऑप्टिमम सॉल्यूशंस आ गए हैं. तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे. सो इसका आंसर होगा 1 इज डी 2 इज सी 3 इज बी एंड 4 इज ए. अब हम इसके आगे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए नंबर्स लिखते हैं. 1 इज डी इज 0 2 इज सी 3 3 इज बी 0 4 इज ए 2. सो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 5. अब हम ये वाले मैट्रिक्स के हम आंसर्स फाइंड आउट करते हैं.
1 is A, 2 is C, 3 is B, 4 is D. So 1 is A, 2 is C, 3 is B, 0, and 4th is D, that is 0. So this is also 5. Total cost iski bhi aa gayi 5. So guys, this is multiple assignment problems jahan ek question mein ek se zyada optimum solutions nikalte hain. So aapne dekha hoga ki in dono ka total cost same hai. So multiple assignment problems kya hote hain, jahan total cost to same hoti hai but unki allocations, assignment ki jo hum allocations karte hain wo different hoti hai.